दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी आप लोगों को फिर से ये अपना गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में सही सलामत है और रहने का प्लानिंग जरूर करेंगे ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल के साथ। तो दोस्तों, योर सक्सेस इज आवर एम, श्योर सक्सेस विद आवर नेम, दैट इज प्रोजेक्टर मॉल। याद रखिएगा, आपका सफलता ही हमारा मूल कर्म है। दोस्तों, आज भी एक नया प्रोजेक्टर का सीक्रेट उबाल के दूंगा, साथ में रहिए। कस्टमर ने भेजा है, देखिए, मध्य प्रदेश से, एड्रेस पूरा लिखा है कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। ये ऊपर वाला मेरा एड्रेस हाथ से लिख के दिया था। मैं कैसा एड्रेस दिखाया था, ऐसा वाला मेरा एड्रेस ऐसा था, लेकिन ये जिसने भेजा है उनके पास प्रिंटर नहीं है, तो प्रिंटिंग कैसे करेगा, तो वो देख देख कर हाथ से लिखा है। सेम एड्रेस देखिए, मेरा एड्रेस और ये कस्टमर का एड्रेस, ठीक है। जबलपुर होते हुए आया है मध्य प्रदेश से, ये देखिए स्पीड पोस्ट में आया हुआ है। स्पीड पोस्ट ही कर दिया था, सिर्फ 330 रुपया में आया हुआ है, लेकिन ये मैंने मना किया था स्पीड पोस्ट ना करे, पैसा कम लगता। अगर ये नॉर्मल रजिस्टर्ड पार्सल करता सेम टाइम में ही आ जाता मेरे पास होम डिलीवरी, इसका आधा पैसा लगता, तो 330 का मतलब 165 रुपया में चला आता, ठीक है ना। लेकिन कस्टमर ने बोला चलो भाई जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन जल्दी होता नहीं है, 1 से 2 दिन का फर्क होता है ये स्पीड पोस्ट का। तो तभी मैं बताता हूं दोस्तों कितना सुंदर पैकिंग किया है, देखिए, ठीक है ना। देखिए कस्टमर ने, मैंने वीडियो दिया था, ऐसे ही किया है, देखिए ये हिलेगा नहीं, ज़बरदस्त पैकिंग किया है। अभी दोस्तों, आपके पास भी कोई प्रोजेक्टर है, आप परेशानी झेल रहे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों, आप टेंशन ना लेकर, उतना मगजबारी ना करके प्रोजेक्टर मॉल में भेज दीजिए अपना एड्रेस से। आपका प्रोजेक्टर नया बन के जाएगा, ये जुबान है प्रोजेक्टर मॉल का, देवव्रत अधिकारी का, ठीक है सर। प्लीज़ मेरा बात को अहमियत देते हुए, और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा, LCD प्रोजेक्टर गलती से भी मत खरीदिए। कंपनी मेरा शत्रु नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता, फिर भी मेरा हाथ में आता है तो थोड़ा बहुत लॉन्ग लास्टिंग करता है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है और कुछ नहीं है, आपका आशीर्वाद है और कुछ नहीं है, मेरा बहादुरी नहीं है दोस्तों। और एनी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना झिझकना नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एकदम नीचे फॉलो कीजिएगा, मेरा नाम पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, और ये वेस्ट बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का न्यू कुचबिहार रेलवे जंक्शन के पास ही है। आप न्यू कुचबिहार रेलवे जंक्शन से पैदल आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, पैदल का रास्ता नज़दीक है। आप आइए या ना आइए, प्रोजेक्टर भेज दीजिए, प्रोजेक्टर का जान नया बना के भेज देंगे आपके पास, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग करेगा, घबराना नहीं। और नया खरीदना है प्लीज़ प्रोजेक्टर मॉल को याद करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए, ये अभी आपके सामने मैं लाइव खोलूँगा, देखता हूँ कौन सा मॉडल, कस्टमर ने बताया भी नहीं मॉडल क्या है, सिर्फ बताया था एप्सन का प्रोजेक्टर है, तो मैं खोल लेता हूँ, साथ में रहिए। एकदम कैंची से काट लेता हूँ बढ़िया से, क्योंकि बाद में ये पैकिंग भी अच्छा से रखना पड़ेगा, इसी से पैकिंग करके भेजेंगे। पैकिंग टाइट होना ज़रूरी है और अंदर प्रोजेक्टर को सेफ्टी होना ज़रूरी है। खोल लिया, अभी देखिए लाइव खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, देखिए देख लीजिए दोस्तों कितना सुंदर, एकदम बढ़िया चीज से पैकिंग किया है। ये आ गया प्रोजेक्टर, देखिए अंदर भी दिया है डबल डबल करके, टाइट होना जरूरी है। हटा देता हूँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए दोस्तों, कस्टमर भी भरोसा कर रहा है और ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल में, ये प्रोजेक्टर मॉल का आसपास में हमारा पंछी भी बहुत सारा भरोसा करता है। हाथ का बगल में पंछी उसका घर बनाकर अंडा देता है, बच्चा बनाता है, फिर वो जानता है यहाँ पे वो देखभाल करके रखेगा और हम ये इसको बच्चा को बड़ा करके यहाँ से ले जा सकते हैं, ठीक है। एकदम नज़दीक से 1 फीट के डिस्टेंस से वीडियो किया हूँ, फिर भी जाता नहीं है, वो जानता है
ये भरोसा करने लायक जगह है, प्रोजेक्टर मॉल, ठीक है ना। उसको तो पढ़ाई लिखे आता नहीं है, लेकिन आदमी को भरोसा करता है। पंछी देख लीजिए बैकग्राउंड में चल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को जगाने के लिए, ठीक है। बात करते करते भरोसा, जिसको बोलते हैं भरोसा, तो मैं किसी को फेस नहीं देखा, अनजान आदमी बात को भरोसा करके प्रोजेक्टर भेजा है, तो ऑनेस्टी के साथ काम करके देना ही देना है। किसी के साथ डिसऑनेस्टी करेंगे ऊपर वाला बाम्बू देगा बाम्बू, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो में मैं बोलता क्यों हूँ आदमी को जगाने के लिए, तो आप भी जग जाइए। एकदम बाप रे बाप, बहुत जबरदस्त लपेटा है। अंदर थोड़ा पानी पानी लग रहा है, ये स्पॉन्ज में लगता है थोड़ा पानी था। देखिए ये सेलोटेप सदा हो गया ना, मतलब पानी पानी लगा है। आपको तो वीडियो में समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए सेलोटेप से पता चल रहा है, ये सेलोटेप है, ये सेलोटेप सादा पड़ गया, मतलब इसमें पानी लगा है। सेलोटेप में जब तक पानी नहीं लगेगा वो सफेद नहीं होगा। तो कार्टून में कार्टून तो भाव से सूखा है, लेकिन अंदर पानी कैसे आया पूछना पड़ेगा कस्टमर को। ये प्लास्टिक में भी पानी पानी है, जो भी हो ऊपर अंदर ना जाए वही कोशिश करेंगे। एप्सन का EBS02, ये देखिए नज़दीक से दिखाता हूँ, EBS02 एप्सन का, एप्सन कंपनी का। देखिए अभी पहले लाइट लगाकर चेक कर लेते हैं, साथ में रहिए। दोस्तों एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ, अगर प्रोजेक्टर आपने पैसा से ख़रीदा है उसको जतन भी करना चाहिए ना। आपका बॉडी आप ही को जतन करना पड़ेगा, कोई दूसरा करके नहीं देगा, आपका चीज़ आपको जतन करना पड़ेगा, तभी तो लॉन्ग लास्टिंग होंगे, है ना। खुद का बॉडी भी, ये प्रोजेक्टर भी। तो देखिए दोस्तों इसका कस्टमर ने उतना देखभाल नहीं रखा, और चारों तरफ से इसका ऊपर से बदबू आ रहा है, जो चूहा का जो पेशाब होता है ना चूहा, इसका ऐसा दुर्गंध आ रहा है। मुझे जल्दी से आज वीडियो पुश करके इसको पहले पूरा वॉश करना पड़ेगा ये बॉडी को, नहीं तो ये घर में रख नहीं सकते, ठीक है ना। बहुत गंदा गुंदा करके रखा है, देखिए पीछे से कितना गंदगी है। हर चीज़ का एक जतन होता है उसको, तभी तो लॉन्ग लास्टिंग करेगा, ये भी एक जतन करने का चीज़ है, ठीक है ना। ऐसे ही आप किसी भी तरह उसको हैंडलिंग करना ठीक नहीं है, हर चीज़ का सेफ्टी होता है, तो ये सेफ्टी के साथ देखना पड़ेगा। तो चलिए बात को ना बढ़ाते हुए इसको पहले बिजली लगाते का देखते हैं इसका सिम्टम क्या है। ये पावर लाइट आया, अभी प्रेस करते हैं देखते हैं। ये देखिए दोस्तों दबा रहा हूँ कुछ नहीं होता है, डेड है, मतलब प्रोजेक्टर डेड है। देखना पड़ेगा क्या क्या दिक्कत है। तो इसका सबसे पहले वॉश होगा, फुल सर्विस होगा, उसके बाद डायग्नोस करेंगे। पुश करके करके मैं मुद्दा बताऊंगा, साथ में दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कलेजुग का अमृत खाना ना भूलिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, ये मेरा एक जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं वही कलेजुग का अमृत जो मैं डब्बा दिखाता हूँ, ठीक है ना, अंदर पाउडर है, ये मेरा ही फॉर्मूलेशन है, एकदम प्राकृतिक ओरिजिनल 10 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट से मैंने ये फॉर्मूलेशन किया हूँ। इसमें सारा पाउडर है, 10 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट है, और इन स्क्रीन में इसका वीडियो रहेगा, देख लीजिएगा। हेल्दी रहने का कलेजुग का अमृत मैंने लोकली नाम दिया हूँ, ठीक है। इसमें 10 टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट है, आपको दिख पा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ इसमें इंग्रेडिएंट भी, ठीक है, देख लीजिए। तो ये सही में एनी डिजीज वन सोल्यूशन,
ठीक है, मैं 16 टाइप का बीमारी था, उनमें से आँख खराब हो गया था विदाउट चश्मा, ये कंप्यूटर लैपटॉप का बराबर लिखा भी नज़र नहीं आता था, ठीक है। तो आत्महंकार नहीं है, बहादुर नहीं है, बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ दोस्तों, ये हेल्थ जीवन और दोबारा नहीं मिलेगा, ये बहुत बड़ा मौका है। कितना भी ज़्यादा इनकम करने वाला आदमी ना हो, आप घर में ये बनाकर खाइए, अगर आप बनाना नहीं पाते मुझसे लेना झिझकना नहीं है, ठीक है। आज भी वो मध्य प्रदेश जो आजीज कुरैशी सर को मैंने भेजा था वो पहुंच गया, पहुंचते ही मुझे फ़ोन किया, हाँ सर पहुंच गया, ठीक है ना। तो खाना शुरू कीजिए, आप भी हेल्दी रहिए, सबसे पहले हमारा हेल्थ को अहमियत दीजिए। मैं हर वीडियो में दिखा देता हूँ, कोई बंदा अगर बोलते बोलते जाग जाए तो ठीक है। मेरा यहाँ पे एक खेती भी था पहले, यहाँ पे इतना बड़ा सदा सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं खेती, वो भी था, इसी का कमाल, ठीक है। 4-4.5 साल यूज़ करते करते पूरा बॉडी का वातावरण चेंज हो गया, ठीक है। और पहले और काला था, ठीक है ना। मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों पिक्चर, मेरा ये पिक्चर है कैसा था पहले, ठीक है। मेरा टीना का घर था, टीना रेलवे के जगह में फुटपाथ में रहा था, रेलवे के जगह में 22 साल जब रहा था तब का चेहरा है, ठीक है ना। आज तो आपका आशीर्वाद से गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल बैठ कर काम कर रहा हूँ। ये देखिए 2014 में मैंने लास्ट डॉक्टर दिखाया था, टेक्सीशियन, ये देखिए मेरा ही नाम है, ठीक है ना, झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ। तो ये हेल्थ को अहमियत देते देते मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ, तो तभी मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ, आप भी फिट एंड फाइन रहिए, उसके बाद आपका कोई भी इनकम सोर्स ऑफ इनकम हो उसको पीछे भागिए, सबसे पहले हेल्थ उसके बाद वेल्थ। इसीलिए मेरा हर वीडियो में ये टॉपिक देना जरूरी मैं मानता हूँ। आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट्स करके बताइएगा। हेल्थ सही नहीं रहेगा तो प्रोजेक्टर काम सीख कर कोई मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। आप शरीर में बहुत सारा बीमार लेकर सोते सोते पिक्चर देखकर मज़ा नहीं आएगा, बीमार मुख कुछ भी आनंद करेंगे एकदम, बहुत मज़ा आएगा। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है दोस्तों, इसके साथ गलत कुछ भी मत कीजिए, और प्रकृति के साथ सर्वनाशा काम मत कीजिए, प्रकृति है सर्वशक्तिमान। तो दोस्तों आज हेल्थ टॉपिक ज़्यादा नहीं बोलूँगा, प्रोजेक्टर का ही सीक्रेट बोलूँगा। सबसे पहले इसको मैं खोलकर फुल सर्विस कर लेता हूँ, ठीक है, साथ में रहिए। तो EB-S02 खोलने का पूरा सीक्रेट देते हैं, मैं बिजली को हटा देता हूँ। और दोस्तों एक सीक्रेट है, कोई भी किसी भी कंपनी का है LCD प्रोजेक्टर जब खोलेंगे, आपका पैर अर्थिंग में ना हो, घर के अंदर पीला कलर का बल्ब नहीं रहना चाहिए, जैसे ये फिलामेंट वाला बल्ब, हाँ बहुत सारा बल्ब का येलो लाइट निकलता है, LED का भी येलो लाइट निकलता है, कोई भी येलो कलर का लाइट के नीचे ये LCD प्रोजेक्टर नहीं खोलना है, उसका प्रिज्म जल जाता है, इसका सीक्रेट है, पहले बोल देता हूँ, नहीं तो बाद में खोल जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, आपका नुकसान ना हो इसीलिए मेरा इतना मेहनत, ठीक है। चलिए खोल लेते हैं, सब में रहिए। सबसे पहले पीछे वाला नार, ये देखिए लैम्प का, लैम्प का ढक्कन खोलेंगे, सबसे पहले खोलना पड़ेगा, खोल लिया, देखिए खोलने का टेक्निक, ठीक है, पीछे हटाया ऊपर किया आ गया, फिर लैम्प का दो नट से लगा हुआ है, दिखा दिखा कर बोलता हूँ, ये देखिए एक या पेड़, ये दो नाक खोलेंगे लैम्प बाहर आ जाएगा, खींचने का देखिए यहाँ पे पकड़ने का लीवर दिया हुआ है, आराम से इजीली खींचिए, ये लैम्प बाहर आ गया, लाइट दिखा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, अंदर बहुत कुछ गंदगी निकलेगा, साथ में रहिए, लैम्प को बाद में चेक करेंगे, हटा देता हूँ। अभी सबसे पहले फिल्टर खोलना है, देखिए फिल्टर खोलने का टेक्निक मैं बता बता के कर रहा हूँ, अंदर नाट है, फिल्टर जहाँ पे है दोनों तरफ यहाँ पे नाट होता है, नाट नहीं खोलेंगे तो नहीं होगा,
नहीं तो आप लोग पहली बार खोलेंगे कोई भी मॉडल, मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा ही खोलने का वीडियो पाकिस्तान में देखकर 2.5 घंटे में प्रोजेक्टर बना लिया था। और सबसे पहले इसके फिल्टर भी खोल लेना है, फिल्टर पकड़ने का जगह है यहाँ पे, देखिए फिल्टर है ही नहीं, देखिए फिल्टर एकदम मुरमुरा हो गया, फेंक दिया, अंदर है नहीं फिल्टर। जो भी हो मैं बना दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, अभी देख लेता हूँ। बाकी नाट सारा नाट खोल लेता हूँ, साथ में रहिए, पुश करके मैं नाट खोल खोल के आपको समझाता हूँ इसमें क्या क्या करना पड़ेगा। जितना नाट है सारा खोल लेना है, और स्क्रू ड्राइवर एकदम पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। पीछे की तरफ भी बहुत सारा नाट है, और आपको एक सीक्रेट बता के रखा हूँ, ऐसा छील का जगह पे काम आप मत कीजिए, क्योंकि स्क्रू खो जाएगा, छिट छिट के इधर उधर हो भागेगा और काम करने में दिक्कत होता है। मैं रिकॉर्डिंग के लिए बैठा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा। मेरा डाउट है ये प्रोजेक्टर गिर गया था, देखिए कोना टूटा हुआ निकला ये यहाँ से, अभी देखना पड़ेगा अंदर क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ये देखिए पूरा फिल्टर, अरे घर पूरा गंदा हो जाएगा, आज साफ करना पड़ेगा। देखिए सारा नाट खोलने के बाद धीरे से एकदम इजीली उठ जाएगा, और सावधानी से उठाना है, क्योंकि यहाँ पे एक इसका जो कनेक्टर है ये भी धीरे से खोल लेना है। ये खोलने का सीक्रेट मैं खोलने के बाद बताता हूँ, या फिर लॉक को थोड़ा सा नाखून से उठाना है, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। मैं उठा के निकाल के दिखाता हूँ, नहीं तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। मैंने ऐसे ही निकाल लिया, ये देखिए धीरे से, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका प्रोजेक्टर शेरशनी ना हो, कोई उल्टा सीधा आदमी के पास ना जाए, उसके लिए मेरा बार बार ये वीडियो देने का मकसद है। ये देखिए ये प्रोजेक्टर को कोई दूसरी जगह काउंटर पे जमा भी किया था, इनका स्लिप लगा हुआ है, लेकिन इसका मेन बोर्ड बिगड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे एक भी लॉक नहीं है, एक भी लॉक नहीं है, फेविक्विक से भी लगाकर छोड़ दिया, तो ये डेड नहीं होगा तो क्या होगा, समझिए। एक भी लॉक नहीं है यहाँ पे खोलने का, मेरा पहले का एक वीडियो देख लीजिएगा, एप्सन खोलने का कैसा लॉक होता है ब्लैक वाला, यहाँ पे एक भी लॉक नहीं है, बिना लॉक का घुसा कर फेविक्विक डालकर लगा के डाल दिया, ले जाओ अभी तुम भुगते रहो। तो ऐसे ही अनारी दुकानदार के पास जाकर आदमी ना फंसे, उसका पैसा बच जाए, इसीलिए मेरा ये वीडियो देने का मकसद है दोस्तों, ठीक है ना। उद्देश्य महत है, उद्देश्य बहुत बड़ा है, लेकिन आदमी लोग फिर भी जाग के सो रहा है। इतना दूर भेजूंगा प्रोजेक्टर आएगा तो, अरे क्यों नहीं आएगा, अभी भी दुनिया में अच्छा आदमी है जिसके दुनिया चल रहा है। मैं हर व्यक्ति को समझाता हूँ, ये देखिए व्हाट्सएप में आज भी थोड़ी देर पहले मैसेज किया है, मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये LED प्रोजेक्टर का लेकर झेल रहा है, ठीक है ना। 8,500 से खरीदा है, 2 साल होते होते प्रोजेक्टर गया, ये बिहार पश्चिमी चंपारण से किसी ने व्हाट्सअप किया है, ठीक है ना। तो दिखा रहा हूँ सैंपल, जे इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, LED प्रोजेक्टर में मत जाइए, अंधेरा करके दिखना पड़ता है, आँख खराब हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी करने से पहले सावधानी से सोच समझ के करना है, प्लानिंग का नाम जिंदगी, प्लानिंग का नाम सफलता। नहीं तो अगर प्लानिंग मैं सही नहीं करता तो वहीं पे भी अभी भी वही प्लास्टिक का झोपड़ी में मुझे रहना था। तो ये गॉड गिफ्टेड प्रोजेक्टर मॉल नहीं होता, सोच बदले जिंदगी। तो आपको भी मैं ये मौका दे रहा हूँ, मौका लेना है तो हाथ पकड़ लीजिए, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, पूरा वर्ल्ड में आप नाम अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। इतना बड़ा हर व्यक्ति के लिए वेट कर रहा है दोस्तों, जोड़ जाइए और हेल्दी रहिए। ये प्रोजेक्टर अगला 5 साल के अंदर हर घर में आएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ
हर व्यक्ति के पास सही प्रोजेक्टर जाए। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, खरीदने से पहले एक बार सलाह परामर्श कर लीजिएगा। लेना है अच्छा है, ना लेना है फिर भी अच्छा है। परामर्श करने में मुझे पैसा देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये खोल के क्या करूँगा, अभी पहले सबसे पहले कस्टमर से बात करेंगे, सर इसका क्या करना है। अगर बनाएगा तभी मेहनत करना सही रहेगा, नहीं तो क्या होगा। तो आज मैं इसका और नहीं खोल रहा हूँ। आप लोग अगर खोलने का वीडियो देखना चाहते हैं कंप्लीट, तो मेरा पिछला जो वीडियो डाला हुआ है खोलने का, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। आज इसके ऊपर मैं और काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये तो भी बेकार ही होगा। ये अभी तोड़ कर निकालना पड़ेगा, तो तोड़ कर निकाल के फायदा तो होगा नहीं। ये ऑलरेडी मेन बोर्ड और एलसीडी प्रिज्म दोनों बदलना पड़ेगा। खर्चा अगर कस्टमर को आता है तो बनाऊंगा, नहीं तो बनाकर कोई मज़ा नहीं होगा। इसका पहले का वीडियो भी मैंने बता चुका हूँ, समझिए टॉपिक को। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। धोखाधड़ी करके कस्टमर का चीज़ डूबा कर जो काम करेगा उसका जीवन भी डूबेगा, वो सफल नहीं होगा कभी, ठीक है ना। उसको अगर जानकारी नहीं था, उसको बोलना था सर हमें मुझे जानकारी नहीं है, पूरा जानकारी आप दूसरा काउंटर में ले जाइए। बिना जानकारी का काम करते हुए इसको डेड बना दिया प्रोजेक्टर, ठीक है। और कस्टमर जब मुझे भेजा था, मुझे बोला था प्रोजेक्टर में थोड़ा बहुत लाइट आता है, आते ही बंद होता है, तो मैंने बोला सर तुरंत मेरे पास भेज दीजिए। लेकिन ये इतना कुछ कारनामा किया है, अगर बताया होता तो मैं उसको ज़रूर बोलता सर पैसा खर्चा करके मेरे पास मत भेजिए। ये है परामर्श। परामर्श करना सबसे सही बात बोलना जरूरी होता है। दो पैसा धंधा के लिए किसी का पैसा डुबाना नहीं है। ऊपर वाला ऊपर में बैठा हुआ है, देख रहा है कौन अच्छा कर्म कर रहा है, कौन बुरा कर्म कर रहा है। समझिए टॉपिक को, प्रोजेक्टर मॉल का ऑनेस्टी को समझने का कोशिश कीजिए। समझ गए ना दोस्तों। तो इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपके पास प्रोजेक्टर है तो आप खुद शेरशानी मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सीक्रेट होता है। किसी को आता है, किसी को नहीं आता। जिसको आता है जो करके मुझे फ़ोन करते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होता है, चलो भाई मेरा नॉलेज किसी का काम आया। किसी हमारा लखनऊ का एक सर ने मेरा वीडियो देखकर उसने प्रोजेक्टर बना लिया है, बोला सर लाइट बहुत बढ़ गया। मैं बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपको। फिर मैंने तो पिछला वीडियो में ऑलरेडी दिया हूँ, पाकिस्तान में फ़ोन से सिखाते सिखाते समझदार आदमी के लिए इशारा ही काफी है। तो अभी मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, गलती मत कीजिए प्रोजेक्टर के साथ। अच्छा चीज़ है, शौकीन चीज़ है, शौक का तोला लाखों रुपया, ठीक है। और आप मेरा बात सुने या ना सुने, मैं अकेला चलने के लिए तैयार हूँ। हमारा रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता है ना, अगर आपका बुलावा सुन के कोई ना आए रे तो अकेला चलो रे। तो मैं अकेला चलने का प्रण कर लिया। अगर आप मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। हम हेल्दी वेल्दी और बिलेनियर जरूर बनेंगे दोस्तों। बड़ा सोच बड़ा सफलता। आप छोटा सोचेंगे डूबकर मर जाएंगे जल्दी। इस दुनिया में एक ही मौका दिया गया है, मौके को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। हम जैसे गाना, कोई भी गाना सुनते हैं ना, एक गाना सुने बहुत अच्छा लगा, दोबारा रिप्ले होता है। ये जीवन रिप्ले नहीं होता, ये जीवन एक ही बार के प्ले आया हुआ है। इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ अहमियत दीजिए, सिर्फ पैसे के पीछे मत भागिए, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिए दोस्तों। बार बार रिक्वेस्ट के साथ बोल रहा हूँ, ये फर दुकानदार से बचिए, डुबा दिया, मुझे बहुत दुख लग रहा है ये देखकर। तो दोस्तों आज वीडियो लंबा नहीं करेंगे, मैं सोचा था इसका फुल सर्विस करूँगा। मैं तो भगवान ईश्वर अल्लाह मालिक कुछ हूँ नहीं, ऊपर से तो समझ में नहीं आता। बहुत आदमी बंदा बोलता है सर ये प्रोजेक्टर बनाने में कितना लगेगा। मैं बोला भाई खोलने के बाद ही पता चलेगा, मैं क्या यहीं से उसके एकदम ब्रेन को स्कैन करके देख लिया अंदर क्या क्या है। हो सकता है फुल सर्विस करने के बाद हो जाएगा, हो सकता है सर्विस करने के बाद नज़र में आएगा ये एक दो स्पेयर भी लगेगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। सिर्फ फुल सर्विस के बाद प्रोजेक्टर चकाचक हो जाएगा। ऑनेस्टी के साथ बार बार बोल रहा हूँ, जो भी करना है ऑनेस्टी के साथ, ठीक है। आपका प्रोजेक्टर टिकाऊ होना चाहिए, चलना चाहिए, तभी मैं करूँगा, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। पैसे के लिए मैं गलत सुझाव नहीं देता, किसी को भी नहीं देता।
समझ गए ना दोस्तों। तो रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरा पहले का वीडियो जरूर देखिए और खुद ये प्रोजेक्टर का काम सीखकर आदमी का पैसा बचाने में थोड़ा काम आइए। और मेरे साथ जितना हेल्थ और वेल्थ का कंप्लीट टॉपिक है दोस्तों, समझिए, खुद के साथ अप्लाई शुरू कर दीजिए। मैं बोला ना, आप जरूर बिलियनियर बनेंगे और हेल्दी भी बनेंगे। आपको लेकर डॉक्टर और नर्सिंग होम के चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। बीमार होने से अच्छा है बीमार ना पड़ना, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। जरूरी हो गया दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ। एक बार सोच के देखिए, बीमार होने के बाद क्या क्या लफड़ा होगा, कितना बड़ा लंबा जर्नी है। हाँ, लैब जाओ, एक्सरे सेंटर जाओ, एमआरआई सेंटर जाओ, ब्लड टेस्ट सेंटर जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, वो फिर देखेगा, चेक करेगा, हाँ बोलेगा ये हुआ है, आइडिया करके कंफर्म नहीं है। मैं जन्म से दो बार रॉन्ग ट्रीटमेंट होते हुए इसीलिए मैं आदमी को जगाने के लिए एक प्रॉन लिया हूँ। दूसरा आदमी के लाइफ में गलती से भी रॉन्ग ट्रीटमेंट ना हो, समझिए टॉपिक को, इसलिए बोल रहा हूँ। कितना लंबा कहानी है और आपका लाखों लाखों पैसा भी डूबेगा, आपका टाइम भी बर्बाद होगा, आप कॉस्ट भी भुगतेंगे, मेहनत, फिर आपका बॉडी में इतना जो कारनामा होगा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उससे सबसे बढ़िया है आपको हर रोज़ प्लानिंग करके चलना है। आप बीमार नहीं पड़ना है, मुख को थोड़ा लगाम देना है। प्लानिंग को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। आज मैं ये देखकर मन बहुत दुख हो गया, आज वीडियो लंबा नहीं करेंगे दोस्तों। प्लीज़ प्रोजेक्टर को लेकर कोई हल्का सा विचार ना करे, एक अच्छा चीज़ है, इसके साथ अच्छा ही पेश आए, जतन करे, खुद को जतन करे। आज इसी पे मैं टाटा बाय बाय करूँगा दोस्तों। आप लोग जरूर मेरा वीडियो में प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स करना ना भूलिएगा, ये मेरा आपसे आशा है, ठीक है दोस्तों। और मैं हाथ फैला कर रखता हूँ, पकड़ कर मुझे व्हाट्सएप में हाय हेलो करके मेरे साथ जुड़ जाइए 24/7 days। आपको मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए टाटा, आप लोगों को मेरा नमस्कार। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक लाइक कमेंट्स करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन, आपका जीवन मंगलमय हो, सफल हो, शुभ हो। थैंक यू।